हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साउथ से लेकर बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में धमाल मचाने वाली अभिनेत्री हंसिका मोटवानी पिछले काफ़ी दिनों से लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। सोहेल कठोरिया संग अपनी शादी से लेकर अपने शो लव शादी ड्रामा तक सभी चीज़ों को लेकर हंसिका सुर्खियों में है। हंसिका अपनी शादी पर बने शो में आए दिन सुहेल और अपने रिश्ते समेत बाकी चीज़ों के बारे में खुलासा करती रहती हैं। इसी क्रम में अभिनेत्री की मां ने भी बेटी की शादी को लेकर खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सुहेल और उनके परिवार से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। सुहेल कठोरिया के साथ हंसिका मोटवानी की शादी किसी राजकीय शादी से कम नहीं थी। कपल ने पिछले साल दिसंबर में जयपुर राजस्थान के मंडोता पैलेस में हमेशा के लिए दोनों का हाथ थाम लिया था। करीबी दोस्तों और परिवार के साथ सात फेरे लेने वाली अभिनेत्री हंसिका की शादी के बारे में उनके फैंस को जानने की बहुत उत्सुकता थी। इसी वजह से अभिनेत्री उन सभी के लिए लव शादी ड्रामा नाम का एक शो लेकर आई, जिसमें वह अपनी शादी के बारे में खुलकर बात करती हैं। इसी के लेटेस्ट एपिसोड में अभिनेत्री की मां मोना मोटवानी को दूल्हे के परिवार के सदस्यों से फंक्शन में देर से आने के लिए हर मिनट के 5 लाख रुपए लेने की मांग करती देखा गया। शादी की सभी रस्में बिना किसी रुकावट के निभाई जा रही थी, लेकिन हंसिका की मां सुहेल के परिवार से काफ़ी नाराज़ थी। मोना मोटवानी को उनकी शिकायत करते देखा गया। इतना ही नहीं, वह बोलती दिखी कि मेरा एक अनुरोध है, कठोरिया वे लोग हैं जो बहुत देर से आते हैं और मोटवानी समय के पाबंद होते हैं। अगर आप आज देर से आए तो आपको हर मिनट की देरी के लिए आप लोग मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। मैं यह अनुरोध इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अशुभ समय शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच है, तो उम्मीद है आप लोग अब जल्दी आ सकेंगे। इसके बाद लेटेस्ट एपिसोड में हंसिका ने खुलासा किया कि आखिर सुहेल को मंडप में अपने लिए इंतज़ार करते हुए देखकर उन्हें कैसा लगा। अभिनेत्री बोली, इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैं उन्हें मंडप में देखकर ऐसी थी कि मैं अपने जीवन के प्यार से शादी कर रही हूँ। यह सबसे अच्छा एहसास था, चीज़ें सच में हो रही थी, मैं शादी कर रही थी। मुझे नहीं पता कि अपने आप को कैसे समझाऊं और यह सबसे अलग था। हंसिका मोटवानी ने पिछले साल नवंबर में सुहेल के साथ अपनी सगाई की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। सुहेल ने आईफल टावर के सामने घुटने पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया था। दोनों की तस्वीरों ने सभी का दिल जीत लिया था। ऐसी और मज़ेदार गॉसिप्स और अपडेटेड न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।